हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब्स में। DSSSB की तरफ से एक और जो है अच्छी खबर आ गई है। एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है 20 नवंबर 2023 को। परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। कल की ही डेट में मैंने आप लोगों को DSSSB की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी आई थी, वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 3/23, वह मैंने आप लोगों को जानकारी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाई। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, देखिएगा, क्योंकि अगर आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं तो आज से ही जो है आवेदन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम नए विज्ञापन की बात करने वाले हैं। कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर पाएगा, कब से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, उम्र, वेतन, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, परमानेंट पोस्ट रहेगी। ध्यान से वीडियो देखिएगा, अंत तक बने रहें। जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इस चैनल पर आप लोगों को मेरे द्वारा जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की हो या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है, बिल्कुल आप लोगों को स्पेशली टीचिंग की जो वैकेंसी होती है आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो बने रहें वीडियो में। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहां पर मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूं कि वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 3/23, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, इसे आप देखिएगा, पिछला वीडियो जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। और आज से ही जो है आवेदन भी स्टार्ट हो रहे हैं। नया विज्ञापन जो है वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 4/23 है, इसे आप ध्यान में रखें। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर एंड प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर डेट जो है मैंने आप लोगों को बता दी, 20/11/2023 फ्रेश एडवर्टीजमेंट है। 5 दिसंबर 2023 ओपनिंग डेट रहेगी आवेदन करने की। लास्ट डेट रहेगी 3 जनवरी 2024। तो DSSSB की तरफ से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ डिपार्टमेंट का नाम जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, पद के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट में यहाँ पर 43 वैकेंसी है यहाँ पर, और 37 वैकेंसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से है। तो कुल जो है वो 80 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी है, कुल यहाँ पर 43 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल की 20 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया है एसेंशियल है, यानी बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है। मास्टर डिग्री अगर आपने सोशल वर्क में किया है, मास्टर ऑफ आर्ट आपने सोशियोलॉजी में किया है, या फिर आपने मास्टर डिग्री आपने क्रिमिनोलॉजी में ली है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल वर्क और सोशियोलॉजी में बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट MSW जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो है होता है, बट वैकेंसी जो है जारी नहीं होती है। तो अभी आप लोगों के पास जो है बिल्कुल मौका है, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर किया है या फिर सोशल वर्क में किया है, MSW में किया है या क्रिमिनोलॉजी में किया है, तो बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। डिजायरेबल में यहाँ पर कहा है कि हिंदी जो है वो आपका एज अ सब्जेक्ट सेकेंडरी क्लास में आपने पढ़ा हो, ठीक है, और ये जो है डिजायरेबल में है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल निल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे स्केल जो है यहाँ पर आप लोगों की 93,34,800, ग्रेड पे जो है 4,200 है, यानी कि यहाँ पर 50,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर कही गई है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, 37 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 17 हैं, ओबीसी 8, एससी 2, एसटी का कोई भी जो है वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है, मास्टर डिग्री सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है, और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। पे स्केल जो है वो बिल्कुल समान है, 4,200 रुपये जो है ग्रेड पे रहेंगे यहाँ पर। उम्र की अगर हम बात करें तो 30 वर्ष यहाँ रखी गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में ही, दोनों ही डिपार्टमेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज बिल्कुल समान है। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट किसी भी राज्य का यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर कितनी लगेगी, कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। आप लोगों को मेन वेबसाइट पर जाना है, ये मेन वेबसाइट का लिंक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोगों को शेयर करूँगी ही।
यहाँ पर एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये रहेगी जनरल ओबीसी की, और जो भी वोमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की, ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो इन कैटेगरी को कोई भी फीस नहीं देनी है। एग्जाम की अगर बात करें तो बहुत ही साधारण सा आप लोगों का पेपर होगा। यहाँ पर आपके दो सेक्शन होंगे, टोटल 300 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का रहेगा। एमसीक्यूज आपके रहेंगे जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर जो है हर पार्ट में से जो है 20-20 जो है मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरा जो सेक्शन रहेगा 200 मार्क्स का होगा जिसमें एमसीक्यूज आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, आपने जो है सोशल वर्क एमए सोशियोलॉजी से किया है तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो मिनिमम जो है कितने चाहिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने अनिवार्य रहेंगे। ओबीसी जो दिल्ली के रहेंगे 35%, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनको 30% मार्क्स जो है वो लाने अनिवार्य ही रहेंगे, तभी जो है आप लोग पास माने जाएंगे, ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो जो दिल्ली के हैं ओबीसी कैंडिडेट तो उनको एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी के हैं 15 साल का और ओबीसी के 13 साल का, ठीक है। तो DSSSB ने पिछली जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकाली है तो लगभग जो है यहाँ पर एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बिल्कुल समान रखा गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस ज़्यादा नहीं है, मात्र 100 ही रुपए है, और यहाँ पर बाकी जो कैटेगरी हैं वोमेन किसी भी कैटेगरी की हो तो बिल्कुल फ्री में ही जो है आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को DSSSBonline.nic.in इस पर आप लोगों को जाना होगा, और उसके बाद जो है ये विज्ञापन 31 पेजों का है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे यदि आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं यहाँ पर तो फॉर्म बिल्कुल फिल करें, आराम से करें, समय जो है बिल्कुल आप लोगों के पास 5 दिसंबर 2023 से लेकर 3 जनवरी 2024 तक आपका रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।